साल 2010 के बाद से इंडियन कार्टून्स में जो प्रॉफिट्स देखने को मिले वो शायद किसी भी एरा में देखने को नहीं मिले थे। 2014 में केवल इंडियन कार्टून्स ने 4490 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था। अब मुझे यकीन है कि इतने पैसे सुन के आप ये सोच रहे होंगे कि इंडियन कार्टून्स वर्ल्ड वाइड फेमस होंगे, लेकिन सच कहूं तो एनिमे के सामने ये कुछ भी नहीं है। दरअसल साल 2021 में एनिमे इंडस्ट्री ने 24.5 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी, रुपए नहीं बल्कि डॉलर्स की। आज के समय में एनिमे केवल बच्चों के देखने की चीज नहीं रह गई है, बल्कि दुनिया भर के लोग इसे देखते हैं और उनकी यूनिक कहानियों के मजे लेते हैं। लेकिन देखो, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि एनिमे बच्चों के कार्टून्स ही तो हैं। अब कहीं ना कहीं उनकी ये सोच गलत भी नहीं है। पहली नजर में तो दोनों ही कार्टून्स और एनिमे एक ही जैसे दिखाई देते हैं, बस फर्क होता है उनकी एनिमेशन क्वालिटी का। अब सवाल ये आता है कि विजुअली एक जैसे देखने के बाद भी इन दोनों की कमाई में इतना ज्यादा फर्क क्यों है? आखिर क्यों मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री आगे चलकर 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनने वाली है? अच्छा, वेल, क्या इंडियन कार्टून्स इसके मुकाबले कुछ भी कर सकती है? देखने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड को। अब दोस्तों सच कहूं तो आज आपके टीवी पर जो कार्टून दिखाए जाते हैं वो छोटे बच्चों के अलावा किसी को भी पसंद नहीं आते। अब एक समय था जब छोटा भीम को किसी भी एज के लोग देखा करते थे, लेकिन जैसे ही इस कार्टून के एनिमेशन क्वालिटी बदली, लोगों को छोटा भीम से नफरत होने लगा। इंडिया में एनिमेटेड कार्टून की शुरुआत 1934 में ही हो गई थी। उस वक्त के एनिमेटर्स कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने खुद ड्रॉइंग्स बनाकर उन्हें एनिमेट करना सीखा था। द पी ब्रदर नाम की एक मूवी ऐसी पहली एनिमेटेड मूवी थी जिसे इंडियन थिएटर्स में दिखाया गया था। अब इन कार्टून्स को इवॉल्व करने के लिए डिज्नी की कंपनी ने इंडिया में अपना एनिमेशन स्टूडियो खोला और इंडियन एनिमेटर्स को कार्टून बनाने का आर्ट सिखाया। अब दोस्तों डिज्नी द्वारा बनाई गई ये कार्टून्स तुरंत ही हिट होने लगे थे, लेकिन देखो ऐसा नहीं था कि ये कार्टून्स हम इंडियंस के लिए नई चीज थी। दरअसल उस वक्त के न्यूज़पेपर्स में अक्सर ही कॉमिक बुक्स छपकर आया करते थे और वो लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। वहीं अगर आप जापान के कार्टून या फिर एनिमे की बात करें तो उनकी शुरुआत साल 1917 में ही हो गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि वो वक्त साइलेंट फिल्म्स का दौर था, इसीलिए एनिमेज में किसी भी तरह का साउंड नहीं हुआ करता था। उस वक्त केवल ड्राइंग कटआउट्स को निकालकर एनिमेट कर दिया जाता था, जो एक तरह से जापान के लिए बेहद ही महंगा भी था। अब देखो ये वो वक्त था जब वेस्टर्न एनिमेशन कंपनीज जैसे कि डिज्नी ने कार्टून मार्केट पर अपना कब्जा बनाकर रखा था। मिकी माउस, पॉपाय द सेलर मैन, ये कार्टून्स वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। अब जापान इस रेस में काफी पीछे रह गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल दर साल उनके एनिमेटेड कार्टून्स बनाने की क्षमता बढ़ती गई और 1950s तक उन्होंने दुनिया भर में अपने एनिमेशन स्टूडियोज एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। आज के समय में जापानीज एनिमे दुनिया के हर कार्टून से आगे निकल गया है। अब देखो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर एनिमे और कार्टून्स दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं तो इन्हें अलग अलग नाम से क्यों पुकारा जाता है? वेल, देखो एनिमे एनिमेशन का शॉर्ट फॉर्म है और एक तरह से ये दर्शाता है कि इसके अंदर सीरीज, फुल लेंथ मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स और फीचर्ड फिल्म्स आते हैं। अब ज्यादातर एनिमेस को 13 या 14 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा देख सकता है और देखो एडल्ट्स में तो किसी भी एज के लोग इसे देख सकते हैं। वहीं कार्टून्स विजुअल आर्ट का एक 2D एनिमेशन है जिसे मोस्टली ऑडियंस या बच्चों को हंसाने के लिए बनाया जाता है। एनिमे का पीक मोमेंट 1990s में आया था जब पोकेमोन की सीरीज रिलीज हुई थी। पोकेमोन की सीरीज टॉयज और वीडियो गेम्स दुनिया भर में बिकने लगी और लोगों को एनिमे का असली मतलब पता चलने लगा। अब देखो वहीं पर इंडियन कार्टून्स की बात करें तो आज के समय में केवल 2 ही ओरिजिनल कार्टून्स है जो टॉप 10 लिस्ट में आते हैं। पहला है मोटू पतलू और दूसरा है छोटा भीम। अब देखो इसके अलावा आजकल तो इंडियन कार्टून्स को बच्चों ने भी देखना कम कर दिया है। अब जरा एक बार अपने बचपन को याद कीजिए जब कार्टून नेटवर्क पर हम कार्टून्स देखा करते थे। आज के वक्त में ये कार्टून नेटवर्क TRP में टॉप 10 में भी नहीं आता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे हाईएस्ट TRP वाला कार्टून अगर इंडिया में कोई है तो वो है डोरेमोन, और डोरेमोन भी जापानीज एनिमे के कैटेगरी में ही आता है। तो फिर ये सवाल आता है कि आखिर कहां हमारे इंडियन एनिमेशन स्टूडियो की कंपनीज मात खा जा रही है? आखिर क्यों वो इंडिया में कार्टून की अच्छी ऑडियंस नहीं बना पा रहे हैं?
वेल, सबसे पहली वजह तो है स्टोरी लाइन और कार्टून का ओवरऑल सब्जेक्ट। अब देखो, चाहे मोटू पतलू हो या छोटा भीम हो, सभी कार्टून्स का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सेम ही होता है। अच्छाई की बुराई पर जीत, इंडियन कार्टून्स हिंदू सभ्यता और कल्चर को अपने कार्टून के जरिए दिखाते हैं और इसी वजह से हर एक कार्टून एक जैसा लगने लगता है। और वहीं एनीमे में हर टाइप की स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी, लव स्टोरी से लेकर हॉरर, एक्शन, थ्रिलर या एडवेंचर। एनीमे हर चीज को एक्सप्लोर करता है। अब जहां इंडियन कार्टून्स में एक ही तरह के मोरल्स को बार बार समझाया जाता है, वहीं एनीमे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस जैसे कि डर, लोनलीनेस, लव और थ्रिल को समझाते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि एनीमे से लाखों लोग तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं इंडियन कार्टून किसी भी तरह की क्रिएटिविटी दिखाना ही नहीं चाहता। अब जैसे कि एक बार तेनालीरामा, अकबर बीरबल और विक्रम बेताल जैसे कार्टून्स को ही ले लीजिए। अब देखो, ये तीनों अलग अलग कार्टून्स थे जिनके कैरेक्टर्स भी बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनका सब्जेक्ट फिर भी वही था, अच्छाई की बुराई पर जीत। वहीं एनीमे के हर कैरेक्टर्स को अपनी एक अलग पर्सनालिटी दी जाती है, हर तरह के लोग इन कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं और उसके बाद स्टोरीज में सस्पेंस और थ्रिल को इंक्लूड किया जाता है, वो अलग से। इंडियन कार्टून रिलेटेबल होने के बजाय छोटे बच्चों के एंटरटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं, बस वहीं पर वो मात खा जा रहे हैं। अब देखो, ये इंडियन स्टूडियोज कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ मैच्योर थीम्स के कार्टून्स इंडियन एडल्ट्स को बहुत पसंद आएंगे। एनिमेशन स्टाइल भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इंडियन कार्टून्स को आगे नहीं बढ़ने देते। आपने देखा होगा कि किसी भी पर्टिकुलर कार्टून्स के कैरेक्टर बिल्कुल एक ही जैसा दिखता है, बस उसके फेस को थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है और एनिमेशन स्टाइल को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। वहीं एनिमे के कैरेक्टर्स इतने डिस्टिंक्ट और क्रिएटिव होते हैं कि पूछिए मत। हर एनिमे का एनिमेशन स्टाइल भी बेहद ही अलग होता है। अब आपने ड्रैगन बॉल जी तो जरूर देखा ही होगा, उसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स, फाइट सीन्स, एनिमेशन क्वालिटी सब इतने टॉप लेवल के हैं कि ऑडियंस को ये ना अच्छा लगे ऐसा तो यार हो ही नहीं सकता। और केवल ड्रैगन बॉल ही नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने बहुत सारे एनिमे के फाइट सीन्स नहीं देखे होंगे जो कि विजुअली बेहतर होने के साथ साथ इमोशनली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब अगर आपको असली एनिमे देखना है जिसकी स्टोरी लाइन और एनिमेशन क्वालिटी टॉप लेवल की है, तो डीमन स्लेयर का एनिमे एक बार जरूर देखिए। मैं लिख के दे सकता हूं कि आप एनिमे को बच्चों का कार्टून कहना बंद कर देंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इंडियन कार्टून्स का मार्केट ग्रो नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम यह है कि इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज अपने आप को इवॉल्व ही नहीं करना चाहते। वो देखना ही नहीं चाहते कि बच्चों के अलावा भी उसके पास एक वास्ट ऑडियंस आ सकती है। अब एक समय पर छोटा भीम और कृष्णा जैसे कार्टून्स हमें कितने अच्छे लगते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके थीम्स सेम होते गए, हमें वही कार्टून्स बोरिंग लगने लगे। अब लोगों ने इन कार्टून्स को देखना कम कर दिया है और पैसे ना होने की वजह से इन कार्टून्स की एनिमेशन क्वालिटी पूरी तरह से गिर गई है। अब मैं एक बार फिर इन एनिमेशन स्टूडियो से ये कहना चाहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे कंट्री में बेशक बहुत से टैलेंटेड एनिमेटर्स हैं, अब एक बार उन्हें मैच्योर थीम्स पर कार्टून्स बनाने का मौका तो दीजिए। आपको खुद ये पता चल जाएगा कि कार्टून्स में भी कितने सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप भी मेरी इस राय से सहमत हो? अगर हाँ तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक ले बाय, जय हिंद।